रामपुर नाम का एक गांव था। उस गांव के जंगल में एक तालाब हुआ करता था। उस तालाब के बारे में कथा प्रचलित थी कि इस तालाब में कोई भी वस्तु डाल दी जाए तो वो दुगनी होकर बाहर निकलती थी। एक दिन सारे गांव वाले उस तालाब के किनारे पर चले जाते हैं और वहां पर एक गांव वाला बोलता है कि देखो देखो ये वही तालाब है जिसमें कोई भी वस्तु डाल दी जाए तो डबल होकर निकलती है। मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसका यूज करके आप इस तरह का कार्टून वीडियो बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको क्रोमाटोन्स को यूज करने की जरूरत नहीं है। आज मैं आपको एक ऐसा ऐप बताने वाला हूँ जिसका यूज करके आप बहुत ही आसान तरीके से इस तरह का कार्टून वीडियो बना सकते हैं। सो दोस्तों, इस तरह का कार्टून वीडियो बनाने के लिए मैं आपको जिस ऐप के बारे में बताने वाला हूँ उस ऐप की मदद से आपको वहाँ से ग्रीन स्क्रीन वाली यहाँ पर वीडियो मिलेगी। उस वीडियो को आपको अपने बैकग्राउंड में सेट करना है, उसके बाद आपको वॉइस ओवर करना है और वॉइस ओवर करने के बाद उसी वीडियो को आपको सेव करके अपने चैनल पर अपलोड कर देना है। आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ना तो आपको कोई कॉपीराइट क्लेम मिलेगा और ना ही स्ट्राइक मिलेगी। तो वो आपको वीडियो कहाँ से मिलेगी, किस तरह से एडिटिंग करना है, किस तरह से वॉइस ओवर करना है, सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको बता दूंगा। लेकिन उन सबको जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर से कर देना ताकि मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूँ उसको नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो दोस्तों, बिना देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो देखिए, इस तरह का कार्टून वीडियो बनाने के लिए आपको यहाँ पर अपना बैकग्राउंड यहाँ पर डाउनलोड करना होगा। उसके लिए आपको बैकग्राउंड डाउनलोड करने के लिए एक ऐप की जरूरत पड़ेगी जो आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा। तो सिंपली प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर सर्च बार में आपको सर्च करना है इमेज सर्च मेन। इमेज सर्च मेन आप यहाँ पर सर्च कर लीजिए। जैसे आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर ये वाला ऐप आएगा। इस ऐप को आपको यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पर आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब मेरे पास जो वीडियो क्लिप है उस हिसाब से मैं यहाँ पर अपना वीडियो यहाँ पर अपना बैकग्राउंड लूँगा। तो सबसे पहले तो मुझे चाहिए एक गांव का बैकग्राउंड। तो यहाँ पर हम सर्च करेंगे कार्टून विलेज, यहाँ पर सर्च करेंगे हम विलेज बैकग्राउंड। तो इसको यहाँ पर मैंने सर्च किया तो यहाँ पर देखिए गांव के बहुत सारे बैकग्राउंड आ जाएंगे कार्टून टाइप में। तो आपको यहाँ पर सिंपली कोई सा भी बैकग्राउंड पर क्लिक कर देना है। तो मान लीजिए आपको ये वाला बैकग्राउंड पसंद है तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस वाले एरो पर क्लिक कर देना ताकि ये आपके गैलरी में सेव हो जाएगा। हो गया। उसके बाद आपको चाहिए यहाँ पर एक जंगल का तालाब का यहाँ पर बैकग्राउंड। तो मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए हम सर्च करते हैं कार्टून जंगल पॉन्ड। तो इसको यहाँ पर हमने सर्च किया तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह का यहाँ पर बैकग्राउंड आ जाएगा। अब जो भी आपको यहाँ से पसंद हो वो यहाँ से आपको कर लेना है डाउनलोड। तो यहाँ पर मान लीजिए ये वाला पसंद है, इस पर क्लिक किया और इस वाले एरो पर आप क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए। या फिर ये वाला करना चाहते हैं तो इस वाले एरो पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको यहाँ पर अपना बैकग्राउंड अपने जो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है उसमें ऐड कर लेना है। तो मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ काइन मास्टर को। तो मैंने यहाँ पर काइन मास्टर को ओपन कर लिया। काइन मास्टर को ओपन करने के बाद यहाँ पर देखिए जैसे ये ओपन होगा यहाँ पर आपको क्रिएट पे क्लिक करना है और सोलानो की रेशियो को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब आपको सिंपली यहाँ पर चले जाना है और यहाँ से आपको अपने जो बैकग्राउंड है उनको यहाँ पर इंपोर्ट कर लेना है। तो देखिए ये मेरा एक बैकग्राउंड यहाँ से इंपोर्ट मैंने कर लिए। तीनों बैकग्राउंड यहाँ पर आ चुके हैं। ये पहला बैकग्राउंड, ये दूसरा बैकग्राउंड और ये तीसरा बैकग्राउंड। अभी तीसरे बैकग्राउंड को देखिए कि ये यहाँ पर पूरी स्क्रीन में सेव नहीं है तो इसको आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट जैसे करेंगे यहाँ पर पेन एंड जूम का ऑप्शन आ जाएगा। इस पर क्लिक करके यहाँ से बराबर वाले निशान पर क्लिक कर देना है और दोनों उंगली से पकड़ कर इसको इस तरह से काट देना है। इस तरह से करने के बाद देखिए इसको आपको इस वाले बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना है और इसकी लेंथ को इस तरह से लाइन को पकड़ कर इस तरह से खींचेंगे तो इसकी लेंथ बढ़ जाएगी। बढ़ने के बाद देखिए ये वाला ये हो गया, ये वाला हो गया और ये वाला हो गया। अब ये वाला तुम्हारा इंट्रो वीडियो में काम आएगा। तो इसको कैसे इंट्रो वीडियो बनाएंगे तो इसके लिए आपको बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद वही पेन एंड जूम पर क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए बराबर वाले निशान पर आपको क्लिक नहीं करना है, सिर्फ इस पर ही रखना है और दोनों से उंगली से पकड़ कर इसको इस तरह से जूम कर देना है। ओनली इस पर जैसे आप रेड पर इस पर क्लिक करेंगे तो दोनों रेड हो जाएंगे। आपको ओनली एक्स का करना है। तो इस तरह से करने के बाद आप इस पर प्ले पर क्लिक करेंगे। देखिए मैं यहाँ पर दोबारा से करता हूँ। यहाँ पर देखिए इसको मैंने दोबारा से थोड़ा सा इसको यहाँ पर सही से सेट कर लेता हूँ। ये ऐसा होगा आपके सामने। अब इसको यहाँ पर पेन एंड जूम पर क्लिक किया, इसको यहाँ से इस तरह से हटाएंगे और इसको इस तरह से कर देंगे। इस तरह से जूम करने के बाद यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर बैकग्राउंड कुछ इस तरह से यहाँ पर दिखाई देगा जो कि आपका इंट्रो वीडियो का। जैसे मान लीजिए आप बोलेंगे कि रामपुर नाम का एक गांव था तो इस तरह से यहाँ पर बोलना है आपको। उसके बाद ये वाला देखिए इसको भी आपको जूम करते हुए दिखाना है। तो इस पर क्लिक करेंगे, पेन एंड जूम पर जाएंगे और इसको भी इस तरह से जूम करते हुए दिखाई कर देंगे।
अब देखिए आपका बैकग्राउंड कुछ इस तरह से यहाँ पर सेट हो चुका है। ये एक रामपुर नाम का एक गांव था जहाँ पर एक जादुई तालाब था। उस जादुई तालाब में कुछ भी चीज़ फेंकते थे तो डबल होकर बाहर निकलती थी। इस तरह से यहाँ पर एक दिन गांव वाले वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो ये यहाँ पर ये बैकग्राउंड आ गया। अब आपको जो ग्रीन स्क्रीन वीडियो क्लिप आप डाउनलोड करेंगे उस क्लिप को यहाँ पर ऐड करना है। यहाँ पर तो यहाँ पर ऐड करने के लिए आपको सिंपली लेयर पर चले जाना है और यहाँ पर मीडिया पर चले जाना है और आपने जहाँ पर वो डाउनलोड करके रखी है वहाँ से उसको इंपोर्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ से इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। अब ये वीडियो का आपको कहाँ से मिलेगी वो भी मैं आपको बताऊँगा अभी। तो देखिए ये यहाँ से इस तरह से आ चुकी है। देखिए ये इस तरह से आ गया। अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर इस तरह से ले जाता हूँ और यहाँ से कैची से वाले ऑप्शन पर जाकर ट्रिम राइट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए इस तरह से इसको यहाँ पर कर देंगे। देखिए यहाँ से इस तरह से इस बैकग्राउंड में कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर लास्ट में देख लेंगे। यहाँ पर देखिए ये यहाँ तक ग्रीन स्क्रीन है तो यहाँ से ट्रिम राइट कर देंगे। ये इस साइड का कट जाएगा। उसके बाद बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके इसको भी कैची वाले ऑप्शन पे जाकर ट्रिम राइट कर देंगे। तो ये यहाँ से इस तरह से हो गया। अब आपको एनिमेशन को सिलेक्ट करना है और यहाँ से इसका जो मिक्सर वाला ऑप्शन है उस पर जाकर इसकी वॉल्यूम को ज़ीरो कर देना है। ज़ीरो करने के बाद यहाँ पर क्या होगा कि इसमें अगर कोई वॉइस होगी तो वो रिमूव हो जाएगी। उसके बाद आपको नीचे चले जाना है और यहाँ पर आपको मिलेगा क्रोमा की का ऑप्शन। इस क्रोमा की पर चले जाना है और यहाँ से इसको इनेबल कर देना है। इनेबल जैसे करेंगे ये इसका बैकग्राउंड ग्रीन स्क्रीन हट जाएगा। उसके बाद आप इसको यहाँ पर इस तरह से रख दीजिए। रखने के बाद आपको देखिए इसका क्या करना है, आपको वॉइस ओवर करना है। तो वॉइस ओवर करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस तरह की वीडियोस डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना है कि आपको उस ऐप पर चले जाना है। उस ऐप पर चले जाना है आपको। वो ऐप का नाम क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपको सिंपली जाना है यूट्यूब पर और यूट्यूब पर जाने के बाद यहाँ पर आपको सर्च बार में सर्च करना है ग्रीन स्क्रीन कार्टून वीडियो। तो इसको यहाँ पर जैसे सर्च करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको बहुत सारे कार्टून वीडियोस मिल जाएंगे ग्रीन स्क्रीन वाले। देखिए आप यहाँ पर ये देखिए ये रहा। उसके बाद यहाँ पर और भी आपको वीडियो मिल जाएगी अलग अलग टाइप की। आपको सिंपली जो भी पसंद हो वो यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। अब ये मैं आपको नहीं बता सकता कि यहाँ से वीडियो कैसे डाउनलोड होती है क्योंकि ये यहाँ की इसकी पॉलिसी के खिलाफ है, यूट्यूब की पॉलिसी के खिलाफ है। इस वजह से मैं यहाँ पर आपको बता नहीं सकता। बाकी आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। जब यहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको इसको यहाँ पर काइन मास्टर में ऐड कर लेना है। हो गया। अब देखिए वॉइस ओवर कैसे करेंगे। तो ये रिकॉर्डिंग वाला ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद तो देखिए मैंने वॉइस ओवर कर लिया। अब मैं इसकी वॉइस को आपको सुनाता हूँ। देखिए रामपुर नाम का एक गांव था। तो यहाँ पर देखिए मेरी वॉइस नॉर्मल वॉइस है जिस वॉइस में मैं वीडियो बना रहा हूँ। अब इसको एडिट कैसे करते हैं तो इस पर आपको क्लिक करना है वॉइस पर और मिक्सर वाले ऑप्शन पर जाकर इसकी वॉल्यूम को 200 कर देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये जो मिक्सर वाला ऑप्शन है सॉरी वॉइस चेंजर वाला, इस पर चले जाना है और यहाँ पर आपको कर देना है मेन वाले ऑप्शन पर क्लिक। उसके बाद ये जो रिवर्ब वाला ऑप्शन है इस पर चले जाना है और यहाँ से ये जो सेकेंड ऑप्शन है बाथरूम या सेकेंड वाला, दोनों को ऐसा भी आप कर सकती है। देखिए इस तरह से आवाज़ ये यहाँ पर वॉइस यहाँ पर चेंज हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से इस वाले एरो पर क्लिक करके आप इस वीडियो को सेव कर सकते हैं और अपने चैनल पर अपलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ऐसा कार्टून वीडियो बना सकते हैं। अब इस वीडियो में आपको बता दिया कि आपको ये ग्रीन स्क्रीन एनिमेशन कहाँ से मिलेगा, किस तरह से मिलेगा और यहाँ पर अगर आप उसको डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर आपको क्रोमाटोन्स के लिए फ्री बहुत सारे कार्टून कैरेक्टर मिल जाएंगे जिसको आप क्रोमाटोन्स में ऐड करके अलग अलग टाइप की कार्टून वीडियोस बना सकते हैं। सो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।